देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम एक बार फिर से बदलने लगा है। राजधानी दिल्ली में ठंड और बढ़ गई है। आज जो है न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, वहीं जो मैक्सिमम तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस समय उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ पहले से था, जबकि एक और विक्षोभ पीछे से पहुंच रहा है। इससे अगले 3 दिनों में इन दोनों का मिला जुला प्रभाव दिखेगा, जिसकी वजह से पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही मध्य भारत में अरब सागर की तरफ से पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण बादल दिखाई दे रहे हैं। ये बादल अरब सागर से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बने हैं। ऊंचाई वाले इन बादलों से बारिश की उम्मीदें आप नहीं कर सकते हैं। वहीं भूमध्य रेखा के पास मौसमी हलचल देखने को मिल रही है। वहां से उठने वाले बादल ही देश के अन्य हिस्सों के आसमान को बादलों से भर सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 16 दिसंबर को उत्तर भारत में गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सहित अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। साथ ही पंजाब के उत्तर और पूर्वी और हरियाणा के भी कई भागों में, दिल्ली और राजस्थान के कुछ मैदानी हिस्सों में गुरुवार को बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां 17 दिसंबर यानी शुक्रवार को बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। उत्तराखंड में भी शुक्रवार से ही बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर अभी पश्चिमी दिशाओं से चलने वाली हवाओं का असर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल क्या रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और गोवा में हवाओं की दिशा में बदलाव देखने को मिलेगी। इसी वजह से यहां मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तापमान में बढ़ोतरी की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। हालांकि गुजरात के कुछ हिस्सों में तापमान बहुत नीचे चला गया है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा यानी साफ रहेगा। वहीं अगर बात केरल के मौसम की करें, तो केरल में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आने वाले समय में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।